और कोई डायलॉग राजेंद्र कुमार जी का? राजेंद्र कुमार जी से पहले सर, राजेंद्र कुमार जी से पहले आप प्रेम चोपड़ा साहब का। हेलो हाय, मैं विश्वजीत सोनी आपका दोस्त, भाभी जी घर पर रहेगा, प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चौधरी। तो दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल के जरिए किसी न किसी की पहचान करवाता हूँ, इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। तो पिछली बार आपने देखा जूनियर गोविंदा और जूनियर सैफ अली खान, और इस दफा हमारे साथ हैं जिनकी फिल्में जिस भी थिएटर पे लग जाए तो उतरती नहीं थी, मतलब 25-25 हफ्ता चलती थी, और उनके घर वाले खुद बोलते थे कि हम जिस भी थिएटर में जाते हैं तो आप ही की पिक्चर लगी हुई होती है, हम आपको घर में भी देखें थिएटर में भी देखते हैं। तो ये कलाकार कोई और नहीं, आपके हमारे अपने हैं, गोल्डन जुबली स्टार राजेंद्र कुमार। तो राजेंद्र कुमार जी के लुक लाइक जो है आज हमारे सामने बैठे हैं, इनका असली नाम है परवेश भाटी। तो इनसे कुछ सवाल जवाब हम पूछेंगे। तो ये बताइए परवेश भाटी जी, आप राजेंद्र कुमार जी के हूबहू लुक लाइक हैं, और आपका मैं इंस्टाग्राम देखता हूँ, इतने आपके फैन फॉलोअर्स है, फैन फॉलोइंग है, तो आपको सबसे पहले कब लगा कि आप राजेंद्र कुमार जैसे दिखते हो? सबसे पहले तो ये मेरे जो वालदेन है, मतलब मेरे माता पिता, उनको ये पता था कि हमारा लड़का जो है राजेंद्र कुमार जैसा दिखता है, और मैं इंस्टाग्राम पर तब उतना एक्टिव भी नहीं था, कुछ रीले बनाता था, तो उसके अंदर मैं कभी किसकी। तो फिर एक दिन मेरी मम्मी बोली कि ये कौन है जो सपनों में आया, ये एक सॉन्ग आ रहा है, इस पर तुम बनाओ, देखो तुम एकदम इन्हीं के जैसे दिखते हो, सेम राजेंद्र कुमार। मैंने वही ट्राई किया, वो रील वायरल हो गई, और मेरे को भी रियलाइज था कि हाँ मैं लगता इन्हीं के जैसा हूँ, लेकिन मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाता था कि क्या पता शायद माँ है, माँ को हर बेटा हीरो ही नजर आया। तो फिर जब ये रील मेरी वायरल हुई, जब लोगों ने कहा, हर एक इंसान ने मुझे यही कहा कि आप हूबहू जुबली कुमार हो। और मैंने सुना है कि आपको राजेंद्र कुमार जी के घर पे भी बुलाया गया था। जी हाँ, उनकी बेटी है डिंपल कुमार पटेल, उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया था, मैं राजेंद्र कुमार जी की वाइफ से भी मिला, उनकी बेटी से मिला, उन्होंने बहुत मान सम्मान दिया। अरे वाह वाह, बहुत मान सम्मान दिया। और राजेंद्र कुमार जी की एक बड़ी तस्वीर लगी पड़ी है उनके घर में, वो तस्वीर के नीचे ही सोफा है, तो मुझे कहा कि आप इन हमारे फादर की तस्वीर के नीचे बैठिए। क्या बात है, और बहुत इज्जत दी, उनके ऊपर एक बायोग्राफी बुक लिखी है जुबली कुमार जी ने, वो मुझे गिफ्ट दी। अच्छा, तो ये इनका बड़ापन है। बिल्कुल हाँ, ये मैंने देखा है कि जब मैं फर्स्ट टाइम भुगी उगी में आया था तो मुझे प्रेम चोपड़ा जी ने घर पे बुलाया, और आज तक उनके घर पे आता जाता हूँ, आज मेरे ख्याल से 25-26 साल हो गए होंगे, ज्यादा ही हो गया होगा। तो ये इनका इतना बड़ापन है, जितने भी पुराने कलाकार हैं, जैसे राजेंद्र कुमार जी तो अब इस दुनिया में नहीं रहे लेकिन फिर भी हमारे बीच में है, और आपको देख के तो ऐसा लगता है कि वापस आ गए राजेंद्र कुमार जी। तो उनके घर वालों ने जो आपको इतना मान सम्मान दिया, ये उनका बड़ापन है, और ये इंसानियत है। वरना आजकल तो साथ में काम करने वाले जो को आर्टिस्ट है वो भी एक दूसरे को देख के मुंह फेर देते हैं, मतलब अभी वो इज्जत नहीं रही। नहीं। और पहले जैसे राजेंद्र कुमार जी, धर्मेंद्र जी, जितेंद्र जी, शत्रुघ्न सिन्हा जी, फिरोज खान जी, विनोद खन्ना जी, जितने भी है, तो आप एक बात देखिए, तब हमारे घर पे वीडियो टीवी नहीं था, कोई बात नहीं, लेकिन हम आज भी उनकी अगर फिल्म लगती है थिएटर में तो वो हमें घर से बाहर निकालते हैं, ब्लैक में हम टिकट भी खरीदते थे, शर्ट के बटन हाथ में आ जाते थे, लेकिन आज के कलाकारों का नाम नहीं लूंगा, घर में टीवी में भी हमें देखने को मन नहीं करता। तो ये उनमें एक मैजिक था, जादू था कि आपको हमको सबको घर से बाहर थिएटर तक खींच के लाते थे, वो जादू खत्म हो चुका है। वो जादू वाकई खत्म हो चुका है। मेरे फादर बताते हैं कि जब ये गीत फिल्म लगी थी थिएटर में तो काफी छोटे थे उस वक्त, तो कहने लगे कि ये फिल्म का इतना हुआ हो गया था कि टिकटें ही नहीं मिलती थी, तो वो छोटे ही थे,
सातवीं आठवीं क्लास में थे, तो वो गए थिएटर में, एक दोस्त उनको ले गया। उस वक्त वो उनके पोस्टर काफ़ी भारी रकम में राजेंद्र कुमार जी के फिल्म के पोस्टर खरीद कर लेकर आए घर पर। और इतने बड़े फैन हैं वो उनके कि जब कुमार गौरव जी की पहली फिल्म लगी तो फर्स्ट क्या होता था, पहले ऐसा मेरे फादर बताते हैं कि जैसे मुंबई में पहले फिल्म रिलीज हुई, गांव आते आते उसको 4 महीने लगते, वो महंगी पड़ जाती थी, महंगी पड़ जाती थी। तो वो आए यहाँ पर, आ करके और गेटी गैलेक्सी में उन्होंने ये फिल्म देखी और फिर वापस राजस्थान। इतने बड़े फैन हैं उनके वो। अच्छा, मैं स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ, मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ, तो मैं रिसर्च करता हूँ। मैंने राजेंद्र कुमार जी की जितनी भी मूवी देखी, कोई भी मूवी उठा के देख लो, कि राजेंद्र कुमार जी की 2.5 घंटे की या 3 घंटे की मूवी में इंटरवल तक तो ये रोमांटिक सीन करते हैं, उसके बाद उनके जिंदगी में एक ऐसा पॉइंट आता है, ऐसी ट्रेजेडी आती है कि वो दुखी हो जाते हैं। जैसे मैं बताऊं, तलाश में सुखी होते हैं, पूरा इंटरवल गैप, उनकी मम्मी सुलक्षणा जी वो गुजर जाती है, वापस नर्वस हो जाते हैं। आपने अभी गीत पिक्चर का जिक्र किया जी, गीत में गाना गाते हैं, स्टार बन जाते हैं, इंटरवल के बाद उनकी आवाज चली जाती है, दुखी हो जाते हैं। फिल्म आप आए बाहर आई में गाने गाते हैं, रोमांटिक सॉन्ग करते हैं, इंटरवल के बाद दुखी हो जाते हैं क्योंकि उनकी गर्लफ्रेंड साधना जी के साथ प्रेम चोपड़ा जी जो है उनका रेप करके चले जाते हैं। फिर दिल शायद था फुल, हर पिक्चर आरजू में, आरजू में उनकी टांग टूट जाती है इंटरवल के बाद। तो इनको जो भी राइटर प्रोड्यूसर डायरेक्टर मिले के बोला, राजेंद्र जी इंटरवल के बाद संगम में भी हुई, वहां वैजयंती माला जी की शादी राज कपूर साहब के साथ हो जाती है। संगम पिक्चर का एक डायलॉग सुनाओ, आप बहुत अच्छा बोलते हो। संगम फिल्म का फेमस डायलॉग है वो, राजेंद्र कुमार जी कहते हैं राज कपूर जी को, आज तक मुझ में सच कहने की शक्ति नहीं थी और आज तुम में सच सुनने की शक्ति नहीं है। सच यह है कि मैं राधा से बेहद बेहद प्यार करता था, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुम करते थे। फर्क सिर्फ इतना था कि तुम कह देते, मैं कह नहीं पाता था। तो ये काफी अच्छा डायलॉग है। क्या बात है। आपका तो सर, अब एक सवाल आपसे भी मैं सोचता हूँ कि कर ही लूँ। कर लो। आपको हम काफी टाइम से देख रहे हैं, भाभी जी घर पे भी हमने देखा आपको और अभी भी देख ही रहे, और भी आपके बहुत सारे परफॉर्मेंस हमने देखे हैं। आप कॉमेडी भी बहुत अच्छी कर लेते हैं और प्रेम चोपड़ा साहब को तो जैसे आपने पूरा अंदर ले ही रखा है, गॉड गिफ्ट है, जैसे आपके पास है वैसे मेरे पास है। तो सर मैं ये चाहूंगा कि एक तो पहले तो एक छोटा सा कोई जोक हो जाए आपकी कॉमेडी वाला। अच्छा, प्रेम चोपड़ा जी का नहीं, जो मैं स्टैंड अप करता हूँ। आप स्टैंड अप करते हो। चलो मैं सुना देता हूँ कि मैं गुजराती हूँ, कच्छी हूँ, मेरी वाइफ जो है वो साउथ इंडियन है। तो एक दिन शॉपिंग करके आई और मुझसे कहने लगी, आज मैं शॉपिंग करके आई, बोला अच्छा इतना सब क्या लाई, 1 किलो पिस्ता लाई 1500 रुपया किलो से, 1 किलो बादाम लाई 1200 रुपया किलो से, 1 किलो काजू लाई 1000 रुपया किलो से, 1 किलो किचमिच लाई 800 रुपया किलो से। मतलब ठीक है, इतना सब कुछ लाई, इसका करेगी क्या, गाजर का हलवा बनाएगी। मतलब कब बनाएगी, अभी क्या है, गाजर 40 रुपया किलो है, जब ये 30 रुपया किलो हो जाएगा तब बनाएगी। वाह वाह, ये एकदम ही बहुत बेहतरीन है। मतलब इतने सारे पैसे गए, ये पैसे गए वो चलेंगे, लेकिन गाजर 30 रुपये किलो ही मिल लीजिए। ये होता है। और कोई डायलॉग राजेंद्र कुमार जी का? राजेंद्र कुमार जी से पहले सर, राजेंद्र कुमार जी से पहले आप प्रेम चोपड़ा साहब का? वो तो है, प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा, और भाभी जी घर पर है, मैं नाम है मेरा प्रेम चौधरी। भैंस पूछ उठाएगी तो गाना नहीं गाएगी, गोबर ही करेगी। और राजेंद्र कुमार जी और प्रेम चोपड़ा जी ने आप आए बाहर आए बहुत अच्छा काम किया था जी, उसमें एक बहुत अच्छा डायलॉग था, बोलता है यार मेरे दिलदार मेरे, हम तो जेल से आए, जेल से वापस भी चले जाएंगे, अगर तुमने पुलिस को खबर की तो जानते हो क्या होगा, तुम्हारे खानदान का नाम बदनाम हो जाएगा, तुम्हारी माँ जीते जी मर जाएगी और तुम पागल हो जाओगे, लोग थूकेंगे तुम्हारे खानदान पे।
बहुत अच्छा, ये एकदम जबरदस्त था, ये आप आए बाहर आई का है, बिल्कुल आप आए बाहर आई का है, मैंने भी देखी है। और कुछ सुनाए आप? सर अभी कुछ दिन पहले मैंने एक रील बनाई थी काला और गोरा की, उसमें राजेंद्र कुमार जी का बहुत जबरदस्त डायलॉग है जो काली सिंह कहता है, हाथ उनका यूं होता है, पूरा परफॉर्म कैसा था, जाते हैं ऐसे हाथ होता है और जाकर कहते हैं, दया धर्म की बात करो तो भगवान को याद करो तो वो वक्त दया नहीं आती जब गरीबन के खून पसीने को हीरे मोती समझकर अपनी तिजोरी में बंद करो तो वो वक्त दया नहीं आती जब गरीबन के मुंह से सूखी रोटी छीनो तो हाय। क्या बात, काला और गोरा, काला और गोरा, और ये बहुत अच्छा है, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले। आज भी गाना फेमस है, हम सुनते हैं मजा हमेशा है। ये उनकी जितनी भी फिल्म है राजेंद्र कुमार जी की, वो हमेशा चलने वाली चीजें हैं, हमेशा हमेशा। और मतलब पृथ्वी पे एक है इंदर, बिल्कुल सॉरी परलोक पे एक है इंदर, बिल्कुल, और पृथ्वी पे तीन है इंदर जी, राजेंद्र, धर्मेंद्र, जितेंद्र, जितेंद्र, पृथ्वी पे तीन इंदर है और इंदर लोग में एक ही इंदर है। बिल्कुल बिल्कुल यार, ये बिल्कुल सही बात है। और काफी मजा आया आपसे बात करके, आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों अगर आपको ये हमारा शो अच्छा लगा हो तो आप लोग बेझिझक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, और कमेंट्स में आप लिखें कि हम लोग में क्या कमियां हैं और हम आपको किस तरह एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। आप भी बेझिझक लिखिएगा, हमें उसका कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि ये आप लोग का प्यार है, आशीर्वाद है। और इसी के साथ हम आप लोगों से इजाजत चाहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, और बड़ा मजा आ गया आपसे मिलके।